हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वागत है आप लोग मेरे चैनल पर। आज का वीडियो कुछ इस टाइप पर होने वाली है जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लोग। और रही बात इसका बैकग्राउंड और पीएनजी का, तो आप लोग जैसे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में कि भाई आपका जो है बैकग्राउंड और लिंक जो है कुछ अलग टाइप से आ रहा है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जिस वेबसाइट पर मैं अपना लिंक जो आप लोगों को बैकग्राउंड देता था उसमें जो है कुछ न्यू अपडेट आया हुआ है, और उस अपडेट में अभी मुझे पूरा तरह से उसके बारे में अभी पता नहीं चला है, जिसके कारण मैं उसमें आप लोगों को जो है उसका बैकग्राउंड का लिंक उसमें नहीं दे रहा हूँ। सनी होगी कुछ डाउनलोड करने में, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लिया, क्योंकि मैं इस तरह रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। और मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाइए और वहाँ मुझसे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है बैकग्राउंड जिसको आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चलना है ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने जो है फर्स्ट में अपने मॉडल कराना है। तो हमने जो है इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करके रखा है, जिनको इरेज करने नहीं होता उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए बैकग्राउंड इरेज पर, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा इसे इतना बड़ा कर लेते हैं, और इतना होने के बाद हम क्या करते हैं इस इरेजर वाला क्लिक करते हैं, और हम क्या करते हैं इसका हार्डनेस थोड़ा सा और पूरा माइनस कर लेते हैं, पूरा नहीं करीब आधा आधा तक, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, सब साइड से इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। ज़्यादा नहीं इरेज करना है, थोड़ा बहुत इरेज कर लेना है, ओके। कुछ इतना पार्ट हम जो है इसको इरेज कर लेते हैं। इसी तरह से हम आप लोगों को भी यहाँ से इस पार्ट को ऐसे एक साइड का जो है हटा लेना है इरेज करके, वो भी इसका जो है हार्डनेस जो भी रहे इसका करीब 30 के आसपास में करके आप लोग अपना जो है इसको इरेज कर लीजिए लोग, ओके। इतना जब हो जा रहा है तो इतना डन कर देना है। इतना हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसे एक और लेयर बनाकर, यहाँ पर लेयर का एक ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक बार ऐड फोटो कर लेते हैं और यहाँ से इस वाली पीएनजी को लेकर आते हैं, और इसे हम क्या करते हैं सबसे पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं करीब इसको इतना भी क्रॉप करके यहाँ से इसे डन कर लेते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं इसका साइज़ जो है अपना फ़ोटो के हिसाब से इसको बड़ा कर लेते हैं, तो हम इतना पर करके इतना पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे के साइड में चलना है और यहाँ पर आप लोग को ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके। आप लोगों को स्क्रीन नहीं करना है, जब इतना हो जाएगा तो आप लोग क्या करना है इस इरेजर पर क्लिक करना है, ओके। हमें इसको साइड से थोड़ा सा जूम करके और क्या करना है पूरा यहाँ से इसको हार्डनेस को हम क्या करते हैं करीब इतना पर करके इसको हम साइड से क्या कर लेंगे यहाँ से इरेज कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इरेज करना है, ओके। यहाँ से हम करीब इसको थोड़ा सा और हार्डनेस कम कर लेते हैं और इसको तो इरेज करते हैं, ओके। तो ये हमारा इरेज हो गया, थोड़ा सा यहाँ से बचा तो इसे भी हम कर लेते हैं यहाँ से इरेज, ये थोड़ा सा यहाँ बच गया। तो इसी तरह करके आप लोगों को क्या करना है इसको अच्छे तरीक़े से यहाँ से इसको इरेज कर लेना है, ओके। इतना हो गया, अब हम इसे क्या कर लेते हैं यहाँ से डन कर लेते हैं, बाकी इतना हो चुका, अब हमें क्या करना है यहाँ से इसे पूरे तरीके से डन कर लेना है। अब चलना है, ओ हेरे घारी क्यों हो गया, शायद ये छूट गया होगा। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से इसको क्या कर लिया करो अपना, हाँ जो है इसको अच्छा से इरेज करके साइड कर लीजिए और उनको। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से इस लाइटिंग को ओपन कर लेना है, हाँ लाइट वाला को, और इस लाइट वाला को हमें क्या करना है यहाँ पर छोटा करके इसे सेट करना है और इसे चलना है नीचे की तरफ, यहाँ ब्राइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसे स्क्रीन कर लेना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इतना पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ ठीक लगेगा, ओके। इतना पर करके हम क्या करते हैं इसे यहाँ से डन कर लेते हैं, ओके। इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले बोर्ड का जो है पीएनजी लेकर आना है और इसे हमें क्या करना है नीचे साइड में चलना है, यहाँ पर ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप लोग को म्यूट जो है म्यूचुअल में कर देना है और इसे हमें क्या करना है पूरा ऐसे रोटेट कर देना है, उसके बाद छोटा छोटा कर देना है इसको और यहाँ पर हमें यहाँ पर इतना करके हम इसे सेट करके डन कर देते हैं, ओके। ये हो गया, और आप लोग ये वाला ध्यान दीजिए लो, यहाँ पर जो आप लोग ये लाइनिंग जो देख रहे हैं लो, ये आप लोग अपना जो है इरेज करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग, ओके। इतना पर हम क्या कर लेते हैं चलते हैं ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में चल के इसे सेव करके और हम चलते हैं अपने लाइट रूम ऐप में, ओके। तो हमने अपने लाइट रूम में इसे फोटो को जो है सेंड कर लिया है, अब हमें चलना है सबसे पहले लाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका कंट्रास्ट को हमें क्या करना है प्लस कर लेना है और हाईलाइट को जो है इसे हम क्या इसे थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं और जो है शैडो इसका शेडो को बिल्कुल थोड़ा सा माइनस कर लेंगे और वाइट को माइनस और ब्लैक को भी माइनस करके हम आ जाते हैं नीचे टूल पर, यहाँ पर आप लोगों को मिक्स टूल पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद सेचुरेशन थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेना है और जो है इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा इसे भी बढ़ा लेना है, उसके बाद आ जाना है इस वाले टूल पर, इसका जो है
सेचुरेशन माइनस करके लुमिनस प्लस कर देना है। इतना होने के बाद अब हमें इसोलेटर पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा करीब इतना पर करके थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं और लुमिनस थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। बाकी हमारा दूसरा कोई कलर इसमें नहीं है, बाकी ये वाला कलर है। तो हम क्या करते हैं, करीब इसका जो है बैकग्राउंड से मैच कराने के लिए कम से कम इसे प्लस कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा लाइटिंग इसका दे देते हैं इसमें। उसके बाद हम इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से इसे हम फुल कर लेते हैं और बाकी इसमें कोई कलर नहीं है। अब हम यहाँ से डन कर देते हैं, फिर आते हैं इसको सेचुरेशन जो है थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, वाइब्रेंस थोड़ा सा प्लस। ओके आ जाना है उसके बाद से नीचे वाला टूल पर, यहाँ से वाइब्रेंस को माइनस, टीएच को प्लस, क्वालिटी प्लस और टेक्स्ट टूल को माइनस कर लेते हैं। ओके उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे वाला टूल पर, यहाँ ये वाला। उसके बाद शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा, आप चाहें तो इससे भी थोड़ा सा मास्किंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा फोटो पहले जो है कुछ इस तरह था, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता। अब हमारा फोटो जो है कुछ इस तरह हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करें, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही मेरे नोटिफिकेशन क्लिक करिए। पर आप लोग को ये बात ध्यान दीजिएगा, ये लाइनिंग जो है मिस्टेक से छूट गया है, आप लोग से न छूटे। ओके चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।